नमस्कार, स्वागत है आपका रादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है कोलकाता से। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। कालीघाट मंदिर दर्शन करने पहुंचे हैं सीएम शिवराज। सीएम ने पत्रकारों के दौरे के संबंध में चर्चा की है। कोलकाता से खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। कालीघाट मंदिर दर्शन करने पहुंचे हैं सीएम शिवराज। सीएम ने पत्रकारों से दौरे के संबंध में चर्चा की है। कोलकाता से खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। 3 दिन पश्चिम बंगाल में प्रचार करेंगे पार्टी के पक्ष में और अभी कालीघाट मंदिर दर्शन करने पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। संपूर्ण देश पर बनी रहे, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। टीएमसी की हिंसा, भ्रष्टाचार, कटमनी, अत्याचार, अन्याय और विशेषकर केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं दिया। ममता दीदी से हम पूछना चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसान भाई बहनों को 6,000 मिल जाते तो ममता दीदी का क्या बिगड़ जाता? आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल जाती है ममता दीदी? यहाँ के गरीब भाई और बहनों को राशन का पैसा भी टीएम राशन जो गरीब जनता के लिए आता है वो राशन भी टीएमसी के लोग हड़प कर जाते हैं। आमदा की त्रिपाल आए तो त्रिपाल खा जाते हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोल बोला है और पूरे बंगाल जो वास्तव में सबसे पवित्र भूमि है हमारी देश की, चिंतन विचार दार्शनिक क्रांतिवीर पश्चिम बंगाल की धरती पर जितने हुए इस धरती के प्रति हृदय श्रद्धा सशक्तित्व भर जाता है, लेकिन उसको हिंसा की आग में झोंक दिया है टीएमसी ने। पहले बर्बाद किया कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने, बर्बाद में तबाह किया टीएमसी ने। और ये इस समय मैं देख रहा हूँ परिवर्तन की लहर पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। टीएमसी का तो नाम हो गया है तोड़ो मारो काटो, रैली की गाड़ियां तोड़ी जा रही, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है भारतीय जनता पार्टी के, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और 2 मई दीदी गई भाजपा आई।